बोलिए सर, क्या चाहते हो मुझसे? आज कुछ काफी गुस्से में है, क्या है ऐसा, मतलब क्या है? नहीं नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ भाई, मैं 24 घंटे ही गुस्से में रहता हूँ वैसे। एक नया विवाद शुरू हुआ है और उस पर आपका क्या टिप्पणी है? कौन सा विवाद? सोनू की अगर बात करें यार, मैंने कह दिया जो कहना था सोनू निगम को यार, अब हर बार 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 लोग मुझसे पूछ रहे हैं। देखो भाई, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे, गणपति निकलते हैं तो 10 दिन सब बंद रहता है, हम भी सफ़र करते हैं पर मोहब्बत में करते हैं, इसकी कोई कंप्लेन थोड़ी है। और 50 साल से सोनू निगम काई में रूम ला के कान में रुई लगा के सो रहा था क्या? 50 साल से अजान की आवाज़ नहीं आ रही। अरे भाई, तू सिंगर है यार मेरे भाई, सिंगर तो बड़े ही डॉल्बी डिजिटल में होते हैं, लाउड स्पीकर के आसपास। अभी फ़र्ज़ कर लो कि जो शोज़ होते हैं, आपको भी पता है एंटरटेनमेंट के, तो अगर कहीं पे शो है, वो शो आपको मालूम है 12-1-2 बजे तक चलते हैं, तो आसपास के बच्चे, आसपास के लोग जो रहने वाले हैं, जो शो में नहीं आए, उनका क्या? उनको तकलीफ़ नहीं होती? फिर वो नहीं बोलेंगे कि सोनू निगम आप गाना गा रहे हो चिल्ला चिल्ला के माइक पे, हमें तकलीफ़ हो रही है। जब ये लोग स्टूडियो में काम करते हैं उसमें भी यार, तो ये मुद्दे अच्छी बात नहीं है। ये ट्रिपल तलाक की जो बात चल रही है अच्छी बात नहीं है, एक ही मज़हब को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है, इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इससे ये लगता है कि एक ही मज़हब को टारगेट करके उसी के अंदर से सारी चीज़ें निकाला जा रही है, ट्रिपल तलाक, हलाला। अरे भाई, तुमको क्या परवाह है? इतनी क्यों योगी जी और मोदी जी मुसलमानों की बेटियों की और बहुओं की चिंता कर रहे हैं? सर, हिंदुओं की भी बेटियाँ हैं, सिखों की भी बेटियाँ हैं, कैथलिक की भी बेटियां हैं, और सबकी तलाक होती है, और हाई रेशो तलाक के मामले में मुसलमानों का नहीं है सर, आप वर्ल्ड रिसर्च कर लीजिए। तो ये मामलों में घुसना अच्छी बात नहीं है, देश का सुधारा करो। पहले जो हमारे नोटबंदी हुई थी उसका जो फ़ायदा बताया था आपने कि 50 दिन में मैं देश बदल दूंगा, बहुत फ़ायदा दूंगा, तो वो फ़ायदा बता दीजिए, वो अभी तक किसी को पता नहीं चला। गरीब मारे घर, जो आटे के डब्बे में बेचारी औरतें पैसे छुपाती थी काम कर करके, काम वाली भाई है, जो गरीब रिक्शा वालों की बीवी, जिनको अनपढ़ गवार है, जिनको पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेचारे सब लोग जिनके अकाउंट नहीं थे उनके पैसों का भी हिसाब नहीं हुआ। गैस का बाटला 300 रुपये का था, 1200 का हो गया। पेट्रोल 30 रुपये का था, 70 रुपये का हो गया। सर, रहबर हैं अगर आप तो मंजिल का पता दो, बिगड़े हुए हिंदुस्तान के हालात बना दो, आएंगे अच्छे दिन ये यकीन है हमें, कब आएंगे ये भी बता दो, और ये जो नफरत की दीवारें हैं वो भी गिरा दो सर। कितना जब आपने सुना तो कितना बुरा लगा आपको, क्योंकि एक आम नागरिक की तरह आप ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हैं। आप यार, मैं इंडियन हूँ, कभी हिंदू मुस्लिम में, अगर मैं मुस्लिम वाली बात करूँ तो फिर आप भी जानते हैं मुस्लिमों पे क्या क्या हो रहा है, हमने कभी हिंदू धर्म के अंदर क्या हो रहा है कभी किसी ने अंदर जाने की कोशिश की? अगर सोनू निगम ये बोलता है कि अजान की आवाज़ से हमें तकलीफ होती है, अजान को बंद करो, मैं हिंदू नहीं हूं, तो मुझे भी फोर्स किया जा रहा है कि ये मत करो। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि गाय माता की रिस्पेक्ट करो, गाय माता का कहीं पे मांस नहीं खाना चाहिए, गाय माता का हम हराम मानते हैं, सुअर और गाय का मांस खाना। आप कानपुर चले जाइए, कानपुर का कोई भी लेदर बिजनेस वाला आदमी आपको बफेलो का और शीप का, इसका लेदर का बात करेगा आपको, आपको काउ लेदर और सुअर लेदर दोनों हराम है। और आप मल्टीनेशनल सारी बड़ी कंपनीज, हार्ली डेविडसन और लुई विटों, जितनी भी कंपनीज है, इसमें मिलता है काउ लेदर, चौड़े में मिलता है, इसके बारे में बंद करा के दिखाई है, मैंने प्रूफ कर दिया, एबीपी न्यूज़ ने इसकी रिसर्च कर ली, सब कुछ मिल गया, लेकिन अभी तक हार्ली डेविडसन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, ओबामा चाचा पता नहीं क्या करेंगे, और अब तो ट्रंप आ गए हैं मोदी जी के खास रिश्तेदार। तो भाई, क्या है कि एक मज़हब को टारगेट करेंगे तो सर प्रॉब्लम होगी, मत करिए ऐसा, अच्छी बात नहीं है, हम भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन क्या होता है, हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। आप हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़वाना चाहते हो, दंगे करवाना चाहते हो, तो ऐसी सोच रखिए। और योगी सारा छोड़ के अभी CM बना है और ट्रिपल तलाक, मैं चाहता हूँ मुस्लिम बहनों को हेल्प करूँ, उन पर जुल्म ना हो। अबे तू क्या देखने आता है क्या जुल्म होता है? वो 5-6 ऐसी औरतों को खड़े करके जूनियर आर्टिस्ट बना के, उनका इंटरव्यू लेके, ये सब करके, अरे भाई ये सब पुराना हो गया, हम एक्टर हैं, हम फिल्मों में ये सब करते हैं, मत करो भाई, मत करो, चलता हूँ। एजाज
अगर हिंदू के बारे में कोई विशेष टिप्पणी करता तो आज मोर्चे खड़े हो जाते हैं? मोर्चे अगर तो मैं कह दूं कि मंदिर में आरती नहीं होगी तो आप जानते हो क्या होगा? सिर्फ आमिर खान ने इतना कहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा है तो आमिर खान की वाट लगा दी है। शाहरुख खान ने बोला तो शाहरुख को जलाने वाले थे ये लोग, पुतले। मैं बोलूंगा ही नहीं, हम मुसलमान लोग हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है और उससे पहले हम इंडियन हैं। हम ऐसी बात करेंगे ही नहीं कि मंदिर में आरती बंद करवा दो, हम क्यों करेंगे? हम बचपन से, हम तो वो है जो मंदिर में आरती होती है हमको प्रसाद ला के देते हैं, हम खाते हैं, हमारे दोस्त हमारे घर आते हैं सारे हिंदू। तू भी मेरा दोस्त है, तू हिंदू है, कितने साल से दोस्त है मेरा, कितना हम दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं। आप गणपति में बरोबर हिस्सा लेते हैं, फिर पंडाल में जाते हैं सबको। भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे क्रिसमस मनाते हैं सब, कैथलिक के घर जाते हैं, मिलते एक दूसरे से, इसको ये लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। ये नेता लोग देश का सुधार करने से अच्छा सारे धर्मों का सुधार करने जा रहे हैं। इसमें क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप, किसको सजा इसके मतलब? मैं चाहता हूँ भाई धर्म के मसले बंद करे। भाई ये बता कौन से कुरान में लिखा है कि हिंदू को मार डाल, और कौन सा राम बोलता है कि मस्जिद तोड़ डाल, मेरे को बताओ। अरे मेरे भाई हिंदुओं को ये लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमानों को ये लगता है मुसलमान खतरे। अरे मेरे भाई हिंदुस्तान खतरे में है और इनसे बचना, जिनके सूबे के जो ठेकेदार बने हैं, और भाई किराएदार है कोई जाति मकान थोड़ी है।